times, Vasukar, I have thought, Mr. Chakravarti, that I would be an excellent rule to live each day as if we should die tomorrow. कभी कभी मैं सोचा करती थी कि ये अच्छी हुक्मरानी होगी अगर हमें पता हो कि कल हमने जिंदा नहीं रहना है. Such an attitude, इस तरह का एक रवैया would emphasize, दबाव डालता है शाब्दिक तेजी के साथ the values of life, जिंदगी की रफ्तार को समझना और उसकी कदर करने. We should live each day with gentleness, तब हम हर दिन बड़ी ही नरम मिजाजी से, vigor, हौसला अफजाई से, and keenness, और तारीफ करने की ख्वाहिश के साथ गुजारेंगे. Which is often, जो कि अक्सर lost नहीं है मौजूद, when time stretches, जब वक्त गुजरता है, before us, हमारे साथ. In the constant panorama of more days and months and years to come, जब वक्त जाया हो जाता है हमारे सामने दिनों महीनों और मुसलसल आने वाले सालों की शक्ल में फैला हुआ होता है. There are those, of course, who would adopt the Epicurean motto of eat, drink, and be merry, but most people would be chastened by the certainty of impending death. जाहिर है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने इस कॉल को अपनाए हुए हैं कि खाए पिए और खुश रहें, लेकिन ज्यादातर लोग मौत के आने को अपने ऊपर हावी तारीख कर लेते हैं कि यकीनन हमने एक दिन मर जाना है. In stories, the doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune, but almost always his sense of values is changed. कहानियों में आमतौर पर मरने वाला हीरो किस्मत के झटके के आखिरी मिनट में न जाने किसी मौसे के तहत बच जाते हैं, लेकिन तकरीबन हमेशा ही इनके इकदार और एहसास को तब्दील कर दिया गया है. It has often been noted, अक्सर गौर किया गया है कि those who live, जो जिंदा रहते हैं और have lived, और जिनको रहना है, in the shadow of death, bring a mellow sweetness to everything they do. जो मौत के साए में जिंदा रहते हैं, ये जिंदा रह चुके हैं, इस काम की जो कि वो करते हैं एक खुशगवार मिठास अपनी जिंदगी में लिए हुए हैं. Perhaps, शायद, I can best utilize, मैं बेहतर तरीके से बयान कर सकती हूँ. Illustrate by imagining what I should most like to see if I was given the use of my eyes, say, for just 3 days. क्या मुझे 3 दिन के लिए ही अगर अपनी आंखें इस्तेमाल करने का मौका मिल जाए तो मैं बता सकती हूँ कि मैं क्या देखना पसंद करूँगी. On the first day, अपनी जिंदगी की बिनाई के पहले दिन, I should want to see the people whose kindness, जिनकी मेहरबानी, उन लोगों को gentleness, जिनकी शराफत से, and कंपेनियनशिप, और उनकी मेहर दोस्ताना ताल्लुक से, मेहरबानी से, हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग, मेरी जिंदगी जिंदा रहने के काबिल बनी. द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, द नेक्स्ट डे, द सेकेंड डे ऑफ साइट, दूसरे देखने के दिन, आई शुड अराइज विद द डॉन, मैं सुबह में होते ही खुश होंगी, एंड सी और देखूंगी द थ्रिलिंग मिरेकल, उस मौसे को, बाय व्हिच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे, जिससे कि रात दिन में तब्दील होती है. I should behold with awe the magnificent panorama of life with which the sun awakens the sleeping earth. जिस खूबसूरती के साथ सूरज रात के बाद रात को जगा के दुनिया को नई सुबह में सनसनी खेज मौसे के साथ हमकिनार करता है, जिसके जरिए रात दिन में बदल जाती है, मैं खौफ के साथ ये देखना चाहूँगी जिंदगी का वो शानदार मंजर जिसके तहत सूरज इस जमीन को जगा देता है जो कि सोई हुई होती है. द डे, दिस डे आई शुड डिवोट, मैं मखसूस करूंगी टू अ हेस्टी ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट, इस दिन में दुनिया के माजी हाल और मुस्तकबिल की जल्दबाजी एक झलक में वक्फ कर दूंगी. आई शुड वॉन्ट टू सी द मैग्नेट ऑफ मैंस प्रोग्रेस, द टेलीस्कोप ऑफ द एजेस, तब मैं उम्र के रंगीन मनाजर दिखाने वाले खिलौने से इंसान की तरक्की का तमाशा देखना चाहूंगी. How can so much be compressed into one day through the museum of course behalf, अजायब घर के जरिए इसका एक ही दिन में कैसे नजारा किया जा सकता है मैं देखूंगी.
The following morning, I should leave the town, anxious to discover new delights, for I am sure that for those who have eyes which really see the dawn of each day, must be perfectly new revelation of beauty. आने वाली सुबह में तुलुए फजर को सलाम पेश करते हुए नई दरियाफ्त के लिए बेचैन नई नेमतें जिसके लिए मुझे यकीन है वो लोग जो मेरे देखने के तीसरे और इनकी आंखें मौजूद हैं जो वाकई तीसरे दिन नई सुबह होने वाली को खूबसूरती के साथ देखेंगे. दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ माई मेरेकल इज टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट. यकीनन आखिरी दिन के मौजूद को इस्लाह के तौर पे मैं देखना पसंद करूँ. Now and then, up or phir, I have tested my seeing friends to discover what they see. मैं ये देखूंगी कि मेरे दोस्तों ने क्या देखा. Recently, मौजूदा तौर पे, I was visited one by a very good friend. मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला, who had just returned from a long walk. जो बहुत अच्छी सैर करके आया था इन द वुड शंगलार में. I asked her what she had observed. मैंने उसे पूछा कि वो क्या देखती थी, उसने क्या मुशाहिदा किया. Nothing in particular. कुछ भी कोई खास नहीं. She replied. उसने जवाब दिया. I might have seen incredulous had I not been accustomed to such responses for a long time because convinced that the seeing see little. मुझे कुछ एतमाद हासिल न हुआ. क्या मैं ऐसे हृदय अमल से वाकिफ नहीं थी. यकीन लोगों का हृदय अमल ऐसा ही होता है. काफी अर्से पहले मेरे इस बात पर यकीन बन गया था कि देखने वाले लोग गौर से नहीं देखते बल्कि बहुत ही सस्ती और थोड़ा सा ना देखने के बराबर ही देखते हैं. हाउ वॉज इट पॉसिबल. ये कैसे मुमकिन था. आई आस्क्ड मायसेल्फ. मैंने अपने आप से पूछा. टू वॉक फॉर एन आवर इन द वुड्स. जंगलात में चहलकदमी करते हुए एंड सी नथिंग वर्ल्डली ऑफ नोट. घंटा जंगल में चलने के बाद बच्चों के लिए कुछ भी ना हुआ. मैं जो नहीं देख सकती थी सिर्फ उन चीजों को छूने का अमल दिलचस्पी की सैकड़ों चीजें तलाश कर सकती हूँ. मैं एक पत्ते का नरम और नाजुक तनासुब महसूस कर सकती हूँ. मैं चांदी जैसे सरोवर के दर्द की मुसलसल हमवार छाल या देवदार सरोवर के दर की खुदरी बालों वाली छाल पर प्यार से अपना हाथ रख सकती हूँ. बाहर के मौसम में गली की तलाश में दरख्तों की शाखों को छू सकती हूँ जो कि मौसम सरमा में नींद के बाद बाहर के जागने का पहला इशारा है. मैं फूल की मखमली सांस पर लज्जत महसूस कर सकती हूँ इसके पुरतेज काबिल कदर दरियाफ्त पर और कुदरत के मौसम पर जो उसने मुझ पर साहिर की है. कभी कभार अगर मैं खुशकिस्मत हूँ मैं नरमी से अपना हाथ रफ कर रख सकती हूँ. मैं परिंदों को पूरे जोबत से गाते हुए महसूस करती हूँ. मैं नदी का पानी ठंडा अपनी उंगलियों पर से गुजरते हुए पाकर बहुत खुशी महसूस करती हूँ. मेरे लिए सनोवर के सब्ज पत्तों का कालीन या नरम मखमली घास फारसी कालीन की नस्बत बहुत ज्यादा आरामदेह और खुश कर देने वाली चीज है. मेरे लिए मौसमों की सस्ती खेसी और तमाशा न खत्म होने वाला एक ड्रामा की सूरत है जिनका देखने का नजारा और मंजर मैं अपनी उंगलियों के पोरों के जरिए महसूस करती हूँ. इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्स. अगर मैं एक यूनिवर्सिटी की सदर होती आई शुड एस्टैब्लिश अ कंपल्सरी कोर्स इन हाउ टू यूज योर आइज. तो यकीनन मैं एक लाजमी मजमून इजाफा कर देती कि आप अपनी आंखों का इस्तेमाल कैसे करें. द प्रोफेसर वुड ट्राई टू शो हिज प्यूपल्स. उस मजमून में प्रोफेसर साहब अपने तलबा को ये दिखाने की कोशिश करोगे हाउ दे कुड एंड देयर लाइव्स बाय रियली सीइंग व्हाट कॉजेस अननोटिस्ड बिफोर देम. कि कौन सी चीज ऐसे उनकी आंखों के सामने से गुजर जाती है और वो ध्यान नहीं दे पाते. नोटिस ध्यान यू वुड ट्राई टू अवेकन देयर डॉर्मेंट एंड स्लगिश फैकल्टीज. वो यकीनन उनकी गैर फ़ाल और सुस्त ज़हनों की सलाहियतों को जगाने की कोशिश करेगा. बेस्ट ऑफ लक. हैव अ नाइस डे.